गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप घर पे बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। मैं क्लास फोर का आज लेसन नंबर टू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नेहा का जन्मदिन। और ये हमारी क्लास फोर की ईवीएस का लेसन है। आज हम करेंगे इसमें से नेहा का जन्मदिन और देखते हैं उस जन्मदिन में से क्या क्या निकल के आता है। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसको ध्यान से सुनना, देखना। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में उतार लेने हैं। ठीक है, तो शुरू करें जी। नेहा का जन्मदिन, आज नेहा का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो ना, वैसे ही नेहा का आज जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। क्या है? खुशी का माहौल। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज की फरियों से सजाया है। अब जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसके अंदर ढेर सारे गुब्बारे लगाते हैं, फरियां लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही उसकी नीतू दीदी ने और उसके गोपाल भैया ने गुब्बारों से घर को सजा दिया है। शाम को नेहा ने जो अपने मित्र बुलाए हैं, पिंकी है, चीनू है, मीनू है, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर पर आए हैं। अच्छा, जैसे आप हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना, अपने बर्थडे पे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो वैसे ही नेहा ने भी अपने मित्रों को अपने बर्थडे के ऊपर बुलाया है। सभी ने नेहा को बहुत सारे उपहार दिए, सब ने नेहा के जन्मदिन की बधाई दी। ठीक है, जैसे हमें जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट मिलते हैं, वैसे ही नेहा को भी जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे गिफ्ट यानी कि उपहार मिले और उसको जन्मदिन की बधाई दी गई। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में से आते हैं ना, वैसे ही वहाँ नेहा का जो जन्मदिन था उसके ऊपर पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? काला चश्मा। अच्छा, उन्होंने काला चश्मा क्यों पहना होगा, सोच सकते हो? अब घर के अंदर धूप तो है नहीं थी, तो हाँ, क्योंकि वह देख नहीं सकते थे। ठीक है, विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे, उनके हाथ में सफेद रंग की एक छड़ी थी। क्या थी? छड़ी। कौन से रंग की? सफेद रंग की। उनके ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज बहुत सुरीली है, यानी कि वह बहुत अच्छा गाते हैं। यह जानकर सभी लोगों ने विनय भैया को गाना गाने के लिए कहा। उनका गाना सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। अच्छा बच्चों, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमें नोट करने हैं अपनी नोटबुक में और उनके बारे में आंसर देना है। तो पहला, सोचो और लिखो। जैसा हमने पढ़ा है नेहा के जन्मदिन के बारे में, बहुत सारे उसके फ्रेंड आए हैं, उसके आस पड़ोस से आए हैं, उसकी दीदी है, घर को खूब सजाया है। तो इसी प्रकार तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? ठीक है, आपने बताना है कि आपका जन्म जो है वो किस तारीख में हुआ, कौन से महीने में हुआ और कौन सी साल में हुआ। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बनता है, जैसे नेहा ने अपना जन्मदिन मनाया है ना, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? ठीक है, अब नेहा ने जन्मदिन के ऊपर केक लेके आए थे, वो है ना, आप भी लेके आते हो केक? उन्होंने केक लेके आए, गुब्बारे लगाए, है ना, बहुत सारे गुब्बारे और फरियों से अपना घर को उन्होंने सजाया था। तो आप भी अपना जब जन्मदिन मनाते हो तो किस प्रकार अपने घर को सजाते हो? ठीक है, जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? आपने ये भी बताना है कि आप अपने जन्मदिन के ऊपर, जैसे उसने अपने मित्रों को बुलाया था, है ना, और आस पड़ोस के जितने भी उसके पड़ोसी थे, उसके पड़ोसी से विनय भैया भी आए थे। ठीक है, तो आपने भी
अपने जो जन्मदिन के ऊपर जिन जिन को बुलाते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है कि किन किन को आपने बुलाया है, किन किन को आपने इनवाइट किया है, उन सभी के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो अगला पेज है हमारा सुनो और पहचानो वो करेंगे। ठीक है, इस लेसन के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें से आपने बताना है कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, किस किस तरह से मनाते हो, कौन कौन आपके जन्मदिन पर आता है, इन सब के बारे में हमने लिखना है। ठीक है, थैंक यू।